नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। संसद के निचले सदन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक चर्चा के बाद बुधवार को पारित हो गया। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। इस बीच सामने आया कि विरोध में वोटिंग करने वाले 2 नेता कौन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के विरोध में मत डालने वाले ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असुद्दीन ओवैसी और AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील हैं। दरअसल हैदराबाद से सांसद ओवैसी बिल में अन्य पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों और आतंकियों के बढ़ रहे मंसूबे के बीच भारत सरकार ने कनाडा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय नागरिकों को खासकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। केंद्र की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों को और आपराधिक हिंसा को देखते हुए कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत सरकार ने यह एडवाइजरी कनाडा सरकार की ओर से भारत में रह रहे नागरिकों के लिए जारी करने के बाद आई है। भारत के साथ चल रहे राजनयिक विवाद में कनाडा के लिए अपना समर्थन दोगुना करते हुए कहा, हम कनाडा में चल रहे कानून प्रवर्तन प्रयासों का समर्थन करते हैं और वह उटावा के साथ निकटता से समन्वय और परामर्श कर रहा है। यह टिप्पणी अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन ने मीडिया रिपोर्टों के जवाब में की थी, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ने भारत को अमेरिका में बनाए रखने के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रयासों के कारण G7 देशों में संयुक्त बयान के लिए कनाडा के आह्वान को खारिज कर दिया था। संसद के विशेष सत्र के दौरान नई संसद से महिला आरक्षण विधेयक बुधवार को लोकसभा से पास हो गया। इससे पहले इस पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा से चले गए। इस पर अमित शाह ने राहुल गांधी के बार बार दोहराए गए कथन का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे डरो मत भाई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, कल भारत के इतिहास में लाल अक्षर वाला दिन था, कोई भी जा सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यसभा में बुधवार को भाजपा नेता केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की अब तक की उपलब्धियां किसी एक सरकार के कार्यकाल में नहीं हासिल हुई, बल्कि यह 60 साल लंबी यात्रा का परिणाम है। भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्टिंग लैंडिंग विषय पर उच्च सदन में अल्पकालिक चर्चा में भाग लेते हुए रमेश ने कहा कि नेता सदन पीयूष गोयल के संबोधन से ऐसा प्रतीत हुआ कि देश की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 2014 में हुई और इस यात्रा के सूत्रधार प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता एक व्यक्ति के कारण हुई है। भारतीय रेलवे बोर्ड ने ट्रेन एक्सीडेंट में किसी की मौत या घायल होने पर मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 गुना तक बढ़ा दिया। इस राशि को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। बोर्ड ने कहा कि अब ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के परिवार वालों को भुगतान की जाने वाली राशि को संशोधित करने का फैसला लिया गया है। 18 सितंबर के एक परिपत्र के अनुसार सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनुग्रह राहत भी बढ़ा दी गई है। भारत के लिए एक बड़ी खबर है। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स कलेवरली ने भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान को संयुक्त राष्ट्र निकाय की अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन करते हुए संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद के विस्तार का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीका विश्व मंच पर अपनी आवाज बुलंद करने का हकदार है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में अपने संबोधन में कलेवरली ने कहा कि दुनिया में हमारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, जो बहुत बड़ी हैं, लेकिन हमारे पास पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने का मौका है। सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बहाने एक बार फिर सनातन पर हमला बोला है। बुधवार को अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में संबोधन करते हुए कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह आदिवासी समुदाय से हैं और विधवा हैं। क्या यही सनातन है? हम सनातन के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। भारत नेपाल सीमा के सरिसवा नदी पर बने मैत्री पुल पर सशस्त्र सीमा बल ने अतिरिक्त चेकपोस्ट बनाया है, जिसको लेकर सीमा से सटे नेपाल के स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बुधवार को इसका विरोध करते हुए उन्होंने सड़क भी जाम किया। दरअसल SSB ने के जवानों ने सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पोस्ट बनाया है, जिसको लेकर सीमावर्ती नेपाली जनता ने प्रशासन को सूचना दी कि भारतीय SSB जवानों ने इंडो नेपाल बॉर्डर के नो मैंस लैंड पर बने दोनों देशों को जोड़ने वाले पुल पर कब्जा कर लिया है। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस पर चर्चा के दौरान ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि बिल को लेकर सभी क्रेडिट लेने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह सबको मानना ही पड़ेगा कि यह बिल सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए थे। अजमल ने लोकसभा में कहा, इस बिल को लोकसभा में भी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही पास करवाया था, जबकि राज्यसभा में BJP ने इसका विरोध किया था। आज वह इसका श्रेय लेना चाहती है, जबकि हकीकत यह है कि यह बिल पास होना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं।
कच्चे तेल फिर $100 के पार जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान जताते हुए कहा कि मांग में उछाल और ओपेक सहित अन्य देशों में आपूर्ति प्रतिबंधों के कारण क्रूड के दाम में तेजी आ सकती है, इससे महंगाई पर दबाव बना रहेगा। जून मध्य से अब तक क्रूड 30% से अधिक बढ़कर $95 तक पहुंच चुका है। हालांकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर निर्णय से पहले बुधवार को तेल का भाव $1 तक गिर गया था। ओपेक प्लस देशों के प्रमुख सऊदी अरब और रूस के आपूर्ति प्रतिबंधों से कच्चा तेल इस समय 10 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत में 2019 से प्रतिबंधित कनाडा के खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय मूल के हिंदुओं के खिलाफ एक बार फिर जहर उगला है। संगठन ने कहा है कि भारतीय मूल के हिंदू कनाडा छोड़कर चले जाएं। SFJ ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के हिंदू अपने भारतीय होने पर जश्न मनाते हैं और उन्होंने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर जश्न मनाकर हिंसा को बढ़ावा दिया है। SFJ के लीगल काउंसिल गुरुपतवंत पन्नून ने एक वीडियो में कहा, भारतीय मूल के हिंदू, तुम्हारा घर भारत है, कनाडा छोड़ो, भारत जाओ। बुधवार को राज्यसभा में सपा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर अपनी बात रखी। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि अनंत काल से हम लोग चंद्रमा को खूबसूरत मानते रहे हैं। हम अपने वैज्ञानिकों से कहेंगे कि चंद्रमा की बसूरत तस्वीरें मत भेजिए, रिसर्च करते रहिए। उन्होंने कहा, ऐसी फोटो उनके मन को लग जाती है, इन फोटो को अपने पास स्टडी के लिए रखे, उन्हें जारी न करिए। सुनकर पूरा सदन हंस पड़ा, यहाँ तक कि सभापति जगदीप धनखड़ भी अपनी हंसी नहीं रोक सके और वो भी खिलखिलाकर हंस दिए। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 5.9% से बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। वहीं एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भारत के GDP ग्रोथ रेट अनुमान में कटौती की है। ADB ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इसे घटाकर 6.3% कर दिया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा है कि सरकार के बढ़े हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर, घरेलू कंपनियों और बैंकों के बैलेंस शीट में कर्ज की कमी, ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में नरमी और निजी निवेश में तेजी की उम्मीद जैसे कई फैक्टर्स की वजह से उसने ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में रवि अश्विन टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि रवि अश्विन भारतीय वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा हो सकते हैं। बहरहाल अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने BCCI चयनकर्ताओं को आड़े हाथों लिया। इरफान पठान ने कहा कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में रवि अश्विन से बेहतर स्पिनर नहीं है। अगर वह आपके वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा थे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने का मौका देना चाहिए था। वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट है, आपका एक सीनियर खिलाड़ी जो पिछले लंबे वक्त से वनडे फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है, आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वह आएगा और आपके लिए अच्छा प्रदर्शन कर देगा। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में बतौर खिलाड़ी आपके ऊपर काफी दबाव होता है। यह बेहतर होता अगर वर्ल्ड कप से पहले रवि अश्विन को ज्यादा से ज्यादा वनडे फॉर्मेट में खेलने का मौका मिलता। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए 246,35,83,297 रुपए की राशि जारी की गई है। राशि अगस्त के वेतन व सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मियों के पेंशन मद के लिए है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जारी राशि में 125,78,38,050 रुपए की राशि वेतन मद में 13 विश्वविद्यालय को दिया गया है। वहीं 120,57,45,247 रुपए की राशि सेवांत लाभ मद में 10 विश्वविद्यालय को दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है। इसे जारी करने से पहले WHO ने सभी सदस्यों देशों में एक भी सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर इसे जारी किया गया है। संगठन ने इंग्लैंड की NHS 2021 रिपोर्ट के आधार पर यह सर्वे किया था। यह चार्टर रोगी सेवा के तंत्र में मौजूद खामियों को ठीक करते हुए सिस्टम बनाने की वकालत करता है। इसे चार्टर इलाज में लापरवाही के चलते होने वाली अप्रत्याशित हानि को सिस्टम के जरिए रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसी 17 सितम्बर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की शादी की रस्में शुरू हो गई है। बुधवार को एक्ट्रेस की प्री वेडिंग सेरेमनी की पहली तस्वीरें सामने आई, जिसमें परिणीति चोपड़ा बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। प्री वेडिंग समारोह गुरुद्वारे में अरदास के साथ शुरू हुआ, जिसमें उनके साथ उनके होने वाले पति राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। दोनों ने आशीर्वाद दिया और गुरुद्वारे में माथा टेका। इस दौरान परिणीति ने ब्लश पिंक सूट के साथ झूमर, इयररिंग्स और सिक्विन चुन्नी पहनी थी। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप ने उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक भुगतान विकल्प लाने के लिए रिजर्वपे और पेव के साथ साझेदारी की है। इस कदम का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कंपनी का कहना है कि हम आपके लिए एक ऐसा फीचर लाने जा रहे हैं जिसके जरिए आप चैटिंग के दौरान आसानी से खरीदारी कर पाएंगे। भारत में व्हाट्सएप पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और बहुत से ऐप शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। इस बार सियासत का केंद्र है अमेठी का संजय गांधी अस्पताल, जिसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। दरअसल बीते 14 सितंबर को अस्पताल में ऑपरेशन कराने आई महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद अब इस अस्पताल पर सियासत भी गर्म हो गई है। अस्पताल बंद होने के मामले पर एक दिन पहले जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी पहुंचकर सरकार पर निशाना साधा था,
वन रैंक वन पेंशन मुद्दे को लेकर अधिकारियों और जवानों के बीच दरार पैदा करने के राजनीतिक प्रयासों के खिलाफ पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने चेतावनी दी है। कहा है कि मैं पिछले एक सप्ताह में और अधिक चिंतित हो गया जब अधिकारियों और कर्मियों के बीच दरार पैदा करने के मामले में इसे एक अलग मोड़ दिया जा रहा है। अधिकारियों को ओआरपी में अधिक वेतन मिल रहा है जो राजनीतिक रंग ले रहा है। चांद पर एक बार फिर से हलचल बढ़ने वाली है। लैंडिंग के करीब 11 दिन बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को स्लीप मोड में भेज दिया गया। दोनों अगल बगल रखा गया था। 22 सितंबर को शिव शक्ति पॉइंट पर सूर्योदय होने की उम्मीद है। सूर्योदय के बाद विक्रम और प्रज्ञान के फिर से एक्टिव होने की उम्मीद है। इसके बाद इसरो एक बार फिर से उनके साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने का प्रयास करेगा। ऐसे में चंद्रयान 3 के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम है। के तेज गेंदबाज मोहम्मद समी को कोलकाता के अलीपुर कोर्ट से पत्नी से विवाद मामले में जमानत मिली है। 19 सितंबर को कोर्ट में पेश होकर समी ने 2000 के मुचलके पर जमानत ली। समी के साथ उनके बड़े भाई हसीब अहमद को भी जमानत दे दी गई, लेकिन जिनके लगाए आरोपों के बाद समी को ये दिन देखना पड़ा। उन हसीन जहां का कहना है कि इससे समी को राहत नहीं मिली है बल्कि उनका घमंड टूटा है। भारतीय कानून किसी के आगे नहीं बिकता और ये बात इससे साबित होती है कि इतने बड़े क्रिकेटर को भी बेल लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके पिता डोनाल्ड ट्रंप की मौत हो गई है। इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की मौत हो गई है और वो यानी डोनाल्ड ट्रंप जूनियर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। डोनाल्ड जूनियर ने एक्स अकाउंट से शेयर हुए एक ट्वीट में लिखा था, मुझे यह घोषणा करते हुए दुख हो रहा है कि मेरे पिता डोनाल्ड ट्रंप का निधन हो गया है जबकि यह खबर फेक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा से पास होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने से महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास की अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार सरकार ने 3 DA बढ़ाने का फैसला किया है जिसका ऐलान दिवाली से पहले किया जाएगा। बता दें केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की दर से DA मिलता है, वहीं DA में 3% की बढ़ोतरी के बाद ये 45% हो जाएगा। आमिर खान की फिल्म 3 Idiots में लाइब्रेरियन दुबे का रोल निभाकर फेमस हुए एक्टर अखिल मिश्रा का निधन हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की मौत काम के दौरान बिल्डिंग से गिरने से हुई है। अखिल मिश्रा की अचानक निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है और फैंस इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहे। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर हैदराबाद में एक प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे, वह बालकनी के पास काम करते समय एक ऊंची इमारत से गिर गए। भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर भाजपा के तरफ से पार्टी दफ्तर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही साथ 3 नवंबर को कैलाशपति मिश्र के गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिहार जाएंगे। इसके बाद भाजपा के तरफ से बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में 1 महीने तक अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी की अर्धवार्षिक परीक्षा बुधवार से शुरू कर दी गई है। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की परीक्षा 26 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों की पहले दिन सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई। 2 पाली में आयोजित हुई परीक्षा में पहले शिफ्ट में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा 25 सितंबर से आयोजित की जाएगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, भान प्रकाश मौर्य, नौसद अंसारी, रविशंकर, अर्जुन राम, मोहम्मद सकीर हुसैन, धनंजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।